चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी का अगला भाग लेकर आपके सामने आ चुके हैं। अभी तक आपने सुना कि दीपशिखा को एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जो न लड़का था और लड़की था। वो तो देखते हैं अब परिवार का क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो इस भावात्मक कहानी को हम आगे सुनते हैं। एक एक कर सब कुछ टूट चुका था। दीपशिखा को भी होश आने लगा था। उसे नहीं मालूम था कि जिसे देखने, महसूस करने और पाने के लिए वह इस दर्द के दरिया से निकल कर आई है, उसे तो कोई तूफान ही पहले उड़ाकर ले गया है। जा सुमन, इसे इसकी माँ को मिलवा दे, छाती से लग जाने दे, देख लेने दे, जी भर के महसूस कर लेने दे इसकी नन्ही धड़कन को। फिर तो नामुराद ना जाने कहाँ जाएगा। इस बार माँ कठोर थी, ना तो उसकी आँख की कोर भीगी थी और ना ही चेहरे पर विचलित होने के भाव थे। वह अपने फैसले की गांठ को करवाहट से कस रही थी। वह जानती थी कि यह फैसला कितना ज़रूरी है। सुमन ने बच्चे को दीपशिखा के बगल में लिटाल दिया था और सपाट शांत रुख किए हुए खड़ी थी। हालांकि कुनमुनाते सवालों का झुंड उसे विचलित जरूर कर रहा था, मगर यहाँ एक नाटकीय भूमिका उसके हिस्से में थी। दीपशिखा के कलेजे को ममता की धार फूट रही थी। बात्सल्य का सागर हिलोरे लेने लगा था। वह लाल लड़ाने के लिए बेचैन हो उठी। माथे को चूमकर सुमन से पूछा, बेटा है ना? हाँ, मैं जानती थी कि बेटा ही होगा। देख सुमन, ये किस पर गया है? बता, मुझ पर गया है या तेरे भैया पर? वह खुशी से सराबोर थी, इतनी कि वह दर्द भूल बैठी। उसे तो अपनी मंजिल मिल गई थी, जहाँ सफ़र की सारी थकावट बेमानी हो जाती है। छातियों से दूध की धार फूट पड़ी थी। कसी हुई छातियाँ कलेजे के टुकड़े को स्तनपान कराने के लिए उद्दत हो उठी थी। उसने एक हाथ से उसने अपने करीब सटा लिया और कहने लगी, सुमन मुझे दिखा तो दो, अब मुझसे सबर नहीं होता। मेरा लाडला कितना कमज़ोर है, कितना नाजुक है, अब तू जल्दी से मुझे दिखा दे सुमन। दीपशिखा अपने बच्चे को जांचने के लिए तड़प रही थी। बाहर उस मासूम की बदकिस्मती की हवा ने जोर पकड़ लिया था। इक्का दुक्का बहाने से कमरे में ताका झाकी कर रहे थे, बिना आवाज़ के मुंह चलते हुए दिखाई दे रहे थे। गलती किसकी थी, ये एक अजूबा ही था। आम तौर पर ऐसा देखा सुना जाता है, शादी विवाह के अवसर पर अगर किन्नर आ भी जाएं तो उपेक्षित और हेय दृष्टि से कौन नहीं देखता, और फिर ऐसा अवसर कौन हाथ से जाने देता। शेखर ने बताया कि वह एक घंटे में पहुँच जाएगा, जब तक वह नहीं आ जाता कोई फैसला लेना उचित नहीं होगा। माँ उधड़े चुतड़ों को छुपाने में लगी थी। कमरे का दरवाज़ा उड़का दिया गया था। वह सोच के फंदे बुन रही थी। दीपशिखा की ममता परवान चढ़े इससे पहले ही उसे बच्चे से दूर करना होगा। कलेजे पर पत्थर का बोझ असहनीय था, पर ज़रूरी था। बुआ के पास आकर वह सभी पुख्ता जानकारी ले आई थी। अमूनन किन्नरों का परिवार किधर रहता है, बच्चा वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, दिन के उजाले में किसी ने देख लिया तो, या बच्चे की सुरक्षा की क्या गारंटी है, वगैरह वगैरह। माँ गीली आँखों को धोती से पोंछती हुई कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही दीपशिखा ने शिकायती लहजे में कहा, माँ मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थीं, अब मुझे मेरा बच्चा तो दिखा दीजिए। माँ अब मुझसे सहा नहीं जाता, जल्दी दिखाइए मेरे बेटे को। मैं जानती हूँ मेरे बेटा ही हुआ है, माँ ने अंतस की वेदना को सपाट और रूखे स्वर में जामा पहनाते हुए कहा। सुन दीपशिखा, कलेजे को मजबूत कर ले और जितने आंसू बहाने हैं ना अभी बहा ले, जी भर के देख ले इस बच्चे को। आज के बाद ना तो तुझे ये मिलेगा और ना ही तू इसे। ममता को जलाकर राख कर दे, छातियों का दूध अब सूख जाने दे। ये बच्चा अब तेरा, हमारा या हमारे खानदान का नहीं है, इससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। ये नामुराद हमारे समाज के लिए बना ही नहीं है। ईश्वर हम सबको शक्ति दे। ये कहकर माँ ने उसकी लंगोट को खोल दिया। दीपशिखा देखते ही बुत बन गई। आंखों के पानी ने लंगोट के अंदर की तस्वीर को धुंधला कर दिया। किस्मत और कोक का ताना बाना मुखर हो उठा। धड़कनों की धोखनी को हथौड़े के एक ही बार ने चटका दिया था। होठों पर शब्द विहीन याचना की गुहार थी। दीपशिखा की मां ने लिपट कर फफक पड़ी। मां पत्थर की चट्टान सी तन गई और बच्चे को उठा लिया। नहीं मां, इसे लेकर कोई कहीं नहीं जाएगा, लाओ मुझे दे दो, ये मेरा बच्चा है, मैं पालूंगी इसे, जैसा भी है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे सीने से लग जाने दो। नहीं, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगी। सिसकियों से बंधी दीपशिखा की आवाज अस्पताल के उस कमरे को दरका रही थी। पागल मत बन, किन्नर को किसी ने पाला है कभी? इसको इसकी सही जगह पर जाना ही होगा, हमारे समाज को यही होता आया है। जानती है तू,
भावनाओं के भाव न चढ़ा, रोले जी भर इसकी मौत पर, ममता को मर जाने दे, प्रलय थी ये। मगर इस अंधड़ में यमदूत आकर उन सभी को जान बचाकर चले गए जो निर्बल थे। दरवाजे पर खड़ा शेखर पत्थर की दूसरी और विशाल चट्टान था जो पहले चट्टान से बड़ी थी। दीपशिका का हाथ कसकर थामते हुए फैसले की परिधि से बोला, माँ ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे घर में बल्कि अपने घर में रहेगा, इसका अपना घर, जहाँ ये ईश्वर की मर्जी से आया है, हमारी मर्जी से नहीं। दोस्तों, मेरी ये कहानी जीवन या मृत्यु आज यही समाप्त होती है। अब आप ही फैसला करिएगा कि शेखर ने का जो फैसला था वो सही था या गलत था। ये थर्ड जेंडर को हमें अपने समाज में क्या जगह देनी चाहिए है, ये आप ही फैसला करिएगा और अपना निर्णय सुनाइएगा। चलिए अपनी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई और भावात्मक कहानी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।